छपरा में भारी पुलिस बल के साथ ऐतिहासिक खनुआ नाले से अतिक्रमण हटाने पहुंचा जिला प्रशासन एवं पुलिस बल बेरंग लौटा। लोगों ने किया विरोध। नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहा है जीर्णोद्धार। छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित करीम चौक खनुआ नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे एसडीओ बीडीओ सदर अंचलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह लोगों का विरोध देखकर वापस लौटे। कल तक पूरा शहर जहां जल समाधि ले लिया था, जो अखबारों की सुर्खियां बन गई थी, जिसे देख अधिकारी खनुआ नाला की अतिक्रमण की याद आ गई और पहुँच गए अतिक्रमण हटाने। जबकि यह खेल कोई नया नहीं है, पिछले साल भी बरसात के दिनों में जब पूरा शहर पानी पानी हुआ था, उस समय भी जिलाधिकारी के आदेश पर खनुआ नाले पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए अंचलाधिकारी महोदय ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया था, लेकिन खनुआ नाला बन न सका, क्योंकि खनुआ नाला का अपना क्षेत्र कहाँ तक है आज तक बताया ही नहीं गया है। जब भी शहर डूबता है तो अतिक्रमण हटाने पहुँच जाते हैं अधिकारी। लोगों का कहा माने तो उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि आप मकानों को तोड़ नहीं सकते, लेकिन वुडको कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अगर नाले की खुदाई की जाएगी तो सटे मकानों की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, जो बहुत बड़ा हादसे का शिकार हो सकती हैं। इसलिए नाले से सटे सभी दुकान मकान को हटाना होगा जो नाले के अतिक्रमण में आते हैं, नहीं तो नाले का निर्माण करने में काफी परेशानी होगी। शहर को नहीं मिल सकेगा जल जमाव से मुक्ति, जिसका विरोध आज लोगों ने किया और अंचलाधिकारी सहित दल बल को वापस लौटना पड़ा और निर्माण कार्य भी अधूरा रह गया। फिलहाल लोग अपने कागजात लेकर नगर थाना पहुंचेंगे, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाएगा। चलिए खाना चलिए, हाँ लेके आए, हाँ लेके आए, खाना लेके आए, खाना लेके आए लोग। पूरे से पहले तुम नोटिस दे, बंद हो गए, दुकान खाली कीजिए, लिया के बता दो, स्टे लगा हुआ है भाई, स्टे लगा है, दुकान बता दो, ना कर रहे हैं दुकान खाली, स्टे लगल बा अभी, जब फाइनल है तब ना तुम हो गए। दू चार गो गाड़ चढ़वाओ, दू चार गो गाड़ चढ़वा, ऐसा जब दू चार गो गाड़ चढ़वाओ ना ऊपर, है जान ऊपर बा। हाई कहाँ से आया ट्रैक्टरों पे, ट्रैक्टर जलाई करेगा सब मार सारे को। कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने, सीओ साहब बोले हैं बाकायदा हम लोग के पास वीडियो है, सीओ साहब बोले हैं कि नहाले का कोई वैल्यू नहीं है, हमारा रोजी रोटी तोड़ा जा रहा है, मकान रहता तो कहीं बसे रह जाएगा, रोजी रोटी मिलेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, पानी में हम लोग टाउन में पानी लग गया, इसका दुकान तोड़ो, उसका मकान तोड़ो, दुकान तोड़ा जा रहा है, सीओ
हमारे पास न्यायालय का कोई वैल्यू नहीं है। कागज नहीं इन लोगों का कहना है कि अनलीगल है, जबकि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट से मैंने मेरा इसका डीड है, शेड्यूल है, अभी ऑर्डर हुआ है 2 महीना पहले, और यहाँ पे स्टे लगा हुआ है, और सीओ साहब कह रहे हैं कि अनलीगल और डिस्कॉम तोड़ देंगे। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है कोई अधिकारी, ये जबरदस्ती किए हुए हैं कि हम तोड़िए देंगे। आप किसी रूल और नियम के हिसाब से आइएगा ना, कोई नोटिस आप दिए नहीं, कोई बात किए नहीं, आप डायरेक्ट मशीन ला कर गिरा दीजिएगा कि हम तोड़ेंगे। कह रहे हैं न्यायालय में नहीं मानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील आलम है। बुढ़को को लग रहा है कि बहुत इनसे परेशानी हो रही है, लोगों को बुढ़को के कारण कोई परेशानी नहीं है, बुढ़को परेशान हो रहा है, बुढ़को परेशान हो रहा है, हमको तो काम करना है। क्या परेशानी हो रही है? काम परेशानी यही हो रही है कि आगे हम लोग यहाँ नाला नहीं कटिंग कर पा रहे हैं। मकान जो है वो ऐसी परिस्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो गिर जाएगा। इसका कोई बीच का सोल्यूशन हम लोग को है, सारा सोल्यूशन निकल जाए जिससे कि काम भी हो जाए। यहाँ पर ये नहीं कटने की वजह से बराबर पानी लगता है, हमेशा करीब चौक पर पानी लग जाता है, यही कारण है। इसमें जो प्रशासनिक जो पहल है वो अपना पहल किया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा आनंद मोहन सिंह।